हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आपका आज की मैथ्स क्लास में और आज हम करेंगे पैटर्न्स अ पैटर्न इज नोन एज अ सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पिक्चर शेप नंबर एंड लेटर्स पैटर्न फॉलो अ डेफिनेट रूल लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर पैटर्न यानी सीक्वेंस या ऑर्डर किसी पिक्चर का शेप का लेटर्स का या नंबर्स का एक उसका डेफिनेट रूल होता है कि इसके बाद ये रिपीट हो रहा है उसके बाद दूसरा रिपीट हो रहा है एक ऑर्डर होगा उनका जैसे कि यहाँ पे रोज है फिर सनफ्लावर फिर रोज फिर सनफ्लावर तो एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा है तो ये एक पैटर्न बन गया है रोजेज इन सनफ्लावर आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ डेफिनेट ऑर्डर पहले रोज आ रहा है फिर सनफ्लावर अगेन रोज फिर सनफ्लावर तो एक डेफिनेट ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या हो गया एक पैटर्न नेक्स्ट यहाँ पे एक स्क्वायर है देन सर्कल फिर ट्राइंगल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर ट्राइंगल हेर स्क्वायर सर्कल एंड ट्राइंगल आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ थ्री पहले स्क्वायर आ रहा है फिर सर्कल फिर ट्राइंगल तो यही ऑर्डर रिपीट हो रहा है तो ये एक पैटर्न हो गया नेक्स्ट टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व गिवन नंबर आर द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू टू एट्स प्रीवियस नंबर टू में टू एड करेंगे तो फोर फोर में टू एड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स सिक्स में टू ऐड करेंगे तो ऐट एट में टू ऐड करेंगे तो टेन टेन में टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व तो ये क्या हो गया दिस ऑर्डर फॉर्म्स अ पैटर्न वी सी सम पैटर्न इन नेचर ऑल्सो सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट डेली मीन्स जो सन है वो राइज होता है उगता का है ईस्ट डायरेक्शन में और अस्त कहाँ पे होता है वेस्ट में तो ये एक पैटर्न है हमेशा वो ईस्ट में ही राइज होगा और वेस्ट में सेट होगा दिस सिक्वेंस ऑफ सन राइजिंग एंड सन सेटिंग रिपीटेड इट्स दिस इज़ अ ऑटोमेटिक पैटर्न ऑफ नेचर ऑन डेली बेसिस तो आप समझ गए क्या होता है पैटर्न एक रिपीटेड मीन्स जो पैटर्न होगा वो उसी फॉर्म में रिपीट होगा तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे से समझिएगा